न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, न्यूज पेट्रोल पर बड़ी खबर देख रहे हैं। आगामी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी संजीव रंजन एवं जिले के तेज तरार पुलिस अधीक्षक सत्यपाल अंतिल लगातार जनपद के विभिन्न कोनों में पहुंचकर मतदान केंद्र का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएमएसपी लगातार तूफानी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएमएसपी फ्लैग मार्च करते हुए आम नागरिकों को भरोसा दिला रहे हैं कि जो मतदान होने वाला है लोकसभा का, निष्पक्ष तरीके से भयमुक्त होकर मतदान आप लोग करिए। कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए लगातार डीएमएसपी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र में पहुंचकर मतदान केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं पर मानिकपुर थाना क्षेत्र में पहुंचकर मतदान केंद्र का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए डीएमएसपी। डीएमएसपी के औचक निरीक्षण से अपराधियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं आम नागरिकों में पुलिस के प्रति सुरक्षा का न्याय भरोसा देखने को मिला। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, गंगा नदी में नहा रहे तीन युवक डूबे, राहत बचाव कार्य जारी। जी हां, स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। सूचना पर पहुंचे परिजनों में मचा कोहराम, घाट पर जुटी तमाशबीनों की भारी भीड़। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कौशाम्बी के रहने वाले बताए जा रहे हैं तीनों युवक। मानिकपुर थाना इलाके के करेटनी घाट पुल के बगल हुआ हादसा। तो ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीके सिंह के टिकट कटने से ठाकुर समाज नाराज। दौलाना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग व गाजियाबाद बीजेपी के महानगर अध्यक्ष पर फूटा गुस्सा और वापस भेजा। ये जो गर्मी भगवा गमछा डाले दिख रहे हैं, यह संजीव शर्मा महानगर अध्यक्ष है। दौलाना विधानसभा क्षेत्र ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र। अगर आप हमारे चैनल पर दिखाई जा रही खबरों और बेबाक पूर्ण शैली को पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच।